नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। नतीजे घोषित हुए को लगभग 5 दिन हो गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र सीएम फेस को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। महाराष्ट्र चुनाव में एक नारा दिया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, एक है तो सेफ है। लेकिन अब इस नारे में नया ट्विस्ट आ गया है। शिवसेना गुट की नेताओं की तरफ से इस नारे की काट की गई है और कहा गया है कि एक नाथ है तो सेफ है। इसका महत्व हम समझेंगे, क्या इसके मायने इस नारे के, क्या बगावत हो सकती है, क्या आखिर होगा महाराष्ट्र में, आखिर क्यों इतनी देरी हो रही है। पंकज प्रसून जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। 5 दिन हो गए लगभग, अभी तक नतीजे, अभी तक माफ कीजिएगा, सीएम फेस अभी तक तय नहीं हुआ है। अब नारे की काट ढूंढ ली गई है कि एक ना थे तो सेफ है, इससे आप क्या समझते हैं, क्या मायने इसके? देखिए, एक अभी अभी बड़ी खबर आई है महाराष्ट्र से, जिस वक्त आप बोल रही थी उसी वक्त ये खबर आई है कि एकनाथ शिंदे ने बीजेपी को एक नया प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव ये भेजा है कि ठीक है, हम मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बदले डिप्टी सीएम और गृह मंत्रालय हमें दिया जाए, होम मिनिस्ट्री। और एकनाथ शिंदे कैंप की ओर से जो प्रस्ताव भेजा गया उसमें यह भी है कि जो बेटे हैं एकनाथ शिंदे के, उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे एकनाथ शिंदे गुट हो या अजीत पवार गुट हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये तीनों अलग नहीं होना चाहते, बागी नहीं बनेंगे, ये समझिए बॉटम लाइन है। अब जो भी नेगोशिएशंस है उसके बाद की चीज है। हर पार्टी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा मंत्रालय या ज्यादा से ज्यादा बढ़िया पद हमें मिले, और उसी की बार्गेनिंग चल रही है। अगर आप ये कहेंगे कि एक नाथ एक है तो फिर सेफ है, तो ये सब कार्यकर्ताओं का काम है। कार्यकर्ता इस तरह से उत्साही कार्यकर्ता पोस्टर वगैरह करते रहते हैं, डिमांड करते रहते हैं। हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि उसका जो नेता है वही मुख्यमंत्री बने या उसे बढ़िया मंत्रालय मिले। लेकिन अगर एकनाथ शिंदे बार बार प्रस्ताव भेज रहे हैं, नेगोशिएशंस हो रहा है, तो ये सब नेगोशिएशंस के बीच की बात है। फाइनल जो ठोस आएगा वही है। मैं बार बार डे वन से एक बात हमेशा कह रहा था और कह ये रहा था कि मुख्यमंत्री तो भाजपा का होगा और वो देवेंद्र फडणवीस होंगे, और बाकी सारी चीजें जो है उसके बाद की बात है कि मंत्रालय कौन सा मिलेगा, डिप्टी सीएम कौन बनेंगे, गृह मंत्रालय किसको मिलेगा, फाइनेंस किसको मिलेगा, प्राइम मंत्रालय में चाहते हैं तो चाहना भी चाहिए। अगर तीन पार्टनर बैठे हैं, आपस में नेगोशिएशन चल रहा है और अगर कोई डिमांड कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुरी बात है। तीन चार चीजें फिक्स है। पहले फिक्स है कि एकनाथ शिंदे कहीं नहीं जा रहे हैं, वो महायुति के साथ। दूसरी चीजें फिक्स है कि मुख्यमंत्री होगा वो भाजपा का होगा और वो देवेंद्र फडणवीस होंगे। तीसरी बात फिक्स है कि अगर एकनाथ शिंदे के सामने ये प्रस्ताव दिया गया है कि आप केंद्र में आ जाइए, बेटे को आप बना लीजिए वहां, तो बेटे को डिप्टी सीएम बनाने में एकनाथ शिंदे को भी कोई एतराज नहीं है। अब इसमें समस्या कहाँ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। धीरे धीरे जीरो इन कर रहे हैं, वहां तक पहुंच रहे हैं जहां पे इनको अभी नेगोशिएशन टेबल पे बैठे हुए। देखिए, अगर चार आदमी या तीन पार्टियां, तीनों पार्टी के प्रमुख बैठे हैं, तो हर कोई अपनी डिमांड लिस्ट तो थमाएगा ना। पहली डिमांड ये थी कि भाई एकनाथ शिंदे का चेहरा था, अगर हमने चुनाव लड़ा है तो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि पहले वो मुख्यमंत्री थे। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा गया कि नहीं, हमारे 132 सीट है, आपके 57 है, तो मुख्यमंत्री तो हमारा होगा। फिर अगला प्रस्ताव यह हुआ कि एकनाथ शिंदे से कहा कि एक काम कीजिए, आप डिप्टी सीएम ले लीजिए और आप केंद्र में आइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी महाराष्ट्र की राजनीति में रुचि है, तो मैं डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन अब नया प्रस्ताव है कि मुझे गृह मंत्रालय अगर दे दिया जाए और मेरे बेटे को अगर डिप्टी सीएम बना दिया जाए तो फिर भी मैं तैयार हूं। तो ये सब नेगोशिएशन की बातें होती है, अंत में जो फाइनल सेटलमेंट होगा उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा वो। गृह मंत्रालय तो पहले भी बीजेपी ने रखा था जब देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम हुआ करते थे, लेकिन अभी तो मसला यहाँ पर फंसा हुआ है ना कि अगर एकनाथ शिंदे केंद्र में आते हैं तो फिर केंद्र में तो कोई पद ऐसा बचा ही नहीं हुआ है। वो सीएम थे, सीएम से उनका डिमोशन हो रहा है, अब केंद्र में ऐसा कौन सा पद है जो शिंदे को दिया जाएगा? वहां पर भी तो शिंदे कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में फंसे हुए हैं ना। नहीं नहीं देखिए, ये डिमोशन नहीं होता। अब कोई कह दे कि देवेंद्र फडणवीस पहले मुख्यमंत्री थे और शिवसेना टूटी और उसके बाद वो डिप्टी सीएम हो गए तो डिमोशन हो गया। देखिए, राजनीति में डिमोशन नहीं हो,
हाँ तो इनकी भी हो सकता है कि देखिए ये 57 सीट लाए और भाजपा का 132 सीट है, तो मजबूरी तो इनके पास भी है ना कि मेरे कम सीटें। मैं बार बार ये बोल रहा हूं, अभी जो कुछ चल रहा है ना ये होता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जब तीन तीन पार्टियों का गठबंधन है, तीनों पार्टियां जीती हैं, सरकार बना रही हैं, टेबल पर बैठकर बातचीत हो रही है, तो इस तरह की डिमांड रखी जाएंगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं, कल को जाके ऐसा नहीं होने वाला है कि सरकार गिर जाएगी और विपक्ष का सीएम बनेगा। सरकार तो बननी है महायुति की। मैं डे वन से क्या बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, ये भी आप मान के चलिए कि यह तय है। मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी का ही होगा और वो देवेंद्र फडणवीस ही होंगे, ये भी तय है। अब बाकी बात जो है नेगोशिएशंस की, देखिए ये तीनों पार्टियां खास करके एकनाथ शिंदे जिनके विषय में ये सारा बात कहा जा रहा है, वैचारिक रूप से एक है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, ये हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी शक्तियां हैं। और हर बार ऐसा होता है, जब बाला साहब ठाकरे के साथ भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बना करती थी तो उस वक्त भी नेगोशिएशन हुआ करता था। गोपीनाथ मुंडे जो थे उनको उप मुख्यमंत्री या होम मिनिस्ट्री मिला था उस वक्त मुख्यमंत्री शिवसेना का बनता था, इसलिए बनता था क्योंकि शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी उस वक्त, उसके पास ज्यादा सीटें आती थी। अब यही है कि सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के है, तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनेंगे भारतीय जनता पार्टी के है। तो उप मुख्यमंत्री की बात हो गई तो ठीक है, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे खुद बनना चाहे, अपने बेटे को बनाना चाहे, इसमें किसी को क्या ऐतराज है। और अभी सारी चीजें सूत्रों के हवाले से चल रही है। सर अजीत पवार भी फडणवीस का समर्थन कर रहे हैं, यहाँ पर एकनाथ शिंदे के हौसले फिर कम हो गए कि देखिए अब ये खुद भी मेरी इतनी कोई खास जरूरत नहीं है, अजीत पवार तो खुद फडणवीस को समर्थन दे रहे, तो वहां भी थोड़ा कमजोर पड़ रहे एकनाथ शिंदे। यही मैं बात कर रहा था कि अगर कांग्रेस होती या उस तरह के दल होते तो भाई मेरी जरूरत अगर नहीं है तो मुझे नहीं मिलेगा। यहाँ तो इज्जत देने की बात है ना। ये भारतीय जनता पार्टी शुरू से कह रही है कि भले ही हम 132 लेके आए हों लेकिन हमारे लिए एकनाथ शिंदे भी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए अजीत पवार भी महत्वपूर्ण है, हम किसी को छोड़ने नहीं जा रहे हैं, सबको साथ लेंगे और सबको सम्मानजनक स्थान मिलेगा। कोई ये नहीं कह सकता कि हमें नेग्लेक्ट कर दिया, ज्यादा सीट आ गया तो देखिए भाजपा जो है हमें नेग्लेक्ट कर रही है। यहां तो स्थिति बड़ी उल्टी है, 132 सीट भाजपा के पास है, 40 सीट अजीत पवार के पास है, चाहे तो आराम से सरकार बना सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी सारी डिमांड हम सुन रहे हैं, आपको हम इज्जत दे रहे हैं अभी भी। हाँ कल देखिए, कल को जाके कोई ये नहीं कह दे कि देखिए बीजेपी के जब अच्छे दिन आ जाते हैं तो सहयोगी दलों को दरकिनार करती है। सहयोगी दलों को दरकिनार नहीं कर रहे हैं हम एकनाथ शिंदे की भी बातें सुन रहे हैं, एकनाथ शिंदे की जो डिमांड है वो भी आ रही है। और ये एक बात मान लीजिए, ये सारी बातें कहां से आ रही है, सूत्रों के हवाले से। अभी तक एकनाथ शिंदे ने मीडिया के सामने आके ऐसा कुछ नहीं कहा है, या देवेंद्र फडणवीस ने कुछ नहीं कहा है, या मीडिया के सामने आके अजीत पवार ने कुछ नहीं। ठीक है रामदास अठावले बोल देंगे, कल को जाके संजय राउत कुछ बोल दे या फिर कहीं दूसरा बोल दे, बात किसको करनी है, बात तो तीन ही आदमी को करनी है, बात तो एकनाथ शिंदे को करनी है, बात अजीत पवार को करनी है, अमित शाह को करनी है, देवेंद्र फडणवीस को करनी है। तो जिन लोगों को बातचीत करनी है वो कुछ बोल नहीं रहे, और बाकी नेताओं का क्या, नेता तो चाहता ही है ना कि मेरा जो लीडर हो वो सबसे शीर्ष पद पे बैठे। इसमें देखिए इच्छा रखने में कोई बुराई नहीं, सही बात है। और राजनीति में होता भी यही है। देखिए ऐसी कोई विकट परिस्थिति नहीं आ रही है कि बहुत कोई किसी तरह का कोई संकट है, अभी है टेबल नेगोशिएशन का दौर है, हर पार्टी अपनी अपनी डिमांड रखेगी। जी तो हम ये कह सकते हैं कि कोई मसला ना हो, कोई कलह ना हो, इसलिए टेकिंग टाइम वाली चीज हो रही है अभी। मैं इसको अलग तरीके से लेता हूं, मैं इसे इस तरीके से लेता हूं कि पहले ही सब कुछ सेटल हो जाए, बाद में सरकार बनने के बाद में कोई मीडिया में जाके बोले कि नहीं मुझे ये मंत्रालय मिला, मैं ये खुश नहीं हूं, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। आप सुनते हैं ना कि मिल गया मंत्रालय पर मैंने ज्वाइन नहीं किया, मैं मंत्रालय ज्वाइन नहीं कर रहा हूं, विभाग ज्वाइन नहीं कर रहा हूं। उन सब चीजों से बचने के लिए अभी ही सारी बातें तय हो जानी चाहिए, और वही प्रोसेस चल रहा है। अब उसमें सूत्रों के हवाले से एकनाथ शिंदे ने ये डिमांड कर दिया, भाजपा ने ये कह दिया, अजीत पवार ने सपोर्ट दे दिया, ये सब सूत्रों के हवाले से खबर है। देखिएगा जब जब ऑफिशियल आधिकारिक घोषणा जब होगी तो तीनों नेता एक साथ बैठेंगे और तीनों नेता एक साथ अनाउंस करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी अलग कमान। अच्छा जरा भी विपरीत बयान आया है, एकनाथ शिंदे ने जरा कह दिया है कभी भी कि मेरी नहीं सुनी जा रही है, नहीं कहा ना ऐसा।
अभी तो डिमांड रखी जा रही है, हर पार्टी अपनी अपनी डिमांड रखती है। हो सकता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री अजीत पवार को चाहिए, उन्होंने डिमांड रखी होगी, तो कल को क्या बोलेंगे, ये देखिए अजीत पवार नाराज, उन्होंने मांग लिया फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऐसा थोड़ी ना होता है। अब गृह मंत्रालय मांगा है तो ठीक है, नेगोशिएशन टेबल पे हैं, बातचीत चल रही है, अगर तीनों राजी होंगे तो मिल जाएगी। और एक बात मैं जानता हूं कि एकनाथ शिंदे के जो लड़के हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं, मैंने हाँ श्रीकांत शिंदे को मैं जानता हूँ, जमीन से जुड़े नेता हैं, और उन्होंने अपनी ओर से कोई इच्छा नहीं जताई। जब चुनाव भी लड़ना था तो सारे विधायकों ने कहा कि अगर श्रीकांत शिंदे लड़ेंगे तो हमारी स्थिति मजबूत होगी, तो पिताजी ने उनके कहा कि नहीं भाई, पहले पार्टी डिसीजन लेगा, तब पार्टी ने कहा कि ठीक है लड़ना चाहिए। तो इन्होंने बेटे से पूछा तुम लड़ना चाहते हो, इन्होंने कहा कि मेरी तो ऐसी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन अगर पार्टी कहेगी तो मैं लड़ जाऊंगा। तो देखिए बहुत डिसिप्लिन काडर है, और एक दिन का संबंध नहीं है ये संबंध, मैं बाला साहब ठाकरे के वक्त से कह रहा हूं, ये 85-86 की बात थी। पहला चुनाव जब लड़ा था तो उस वक्त प्रमोद महाजन हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, और बाला साहब ठाकरे शिवसेना को देख रहे थे। उस वक्त जब बात चली विले पार्ले, एक उपचुनाव होने वाला था, तो उस वक्त गए थे प्रमोद महाजन, कहे थे कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक हो जाए और हम हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। तो बाला साहब ठाकरे ने एक सवाल किया था कि जो हिंदू है वो अपनी जाति के नाम पे तो वोट दे सकता है कि मैं फलाना राजपूत, मैं फलाना ब्राह्मण, मैं गुर्जर, मैं जाट, लेकिन क्या एक हिंदू हिंदू के नाम पे वोट देगा? तो उन्होंने कहा कि देखते हैं। तो पहले उपचुनाव में ही ये प्रयोग सफल हुआ, विले पार्ले में हिंदू ने हिंदू की तरह वोट दिया, और ठीक उसी तरह वो चीज बढ़ते बढ़ते आज पूरे पैन महाराष्ट्र आ गई है। आज हिंदू अपने जात के नाम पे वोट ना देके हिंदुत्व के नाम पे वोट दे रहा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नाम पर जाए। तो जब वैचारिक रूप से इतना एडहेसिव है, एक दूसरे के इतने कॉमन प्लेटफॉर्म पे है, तो कौन मंत्रालय मिला, कौन डिप्टी सीएम बना, कौन ये किया, ठीक है दो चार दिन जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता मीडिया भी इस तरह के खबरें चलाते रहती है, होता रहेगा ये सब, आज ये प्रोसेस है। हर राज्य में जब देखिएगा कि जब रिजल्ट आता है, हाँ, तो जब देखिए चुनाव का परिणाम आ गया और जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती कोई शपथ नहीं लेता, तो बीच के गैप में मीडिया क्या करे? तो मीडिया भी ये कर रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है, तो ये इन्होंने ये डिमांड रखी, और ये नेचुरल है, मैं इसमें भी कोई बुरा नहीं मानता, मीडिया का भी हक है, वो चलाना चाहिए। हमारे पास खबर आई कि उन्होंने गृह मंत्रालय मांगा, तो हम दर्शकों को बताएंगे, अंत में जो फाइनल सेटलमेंट होगा वही सच्चाई होगी। और मैं आपको एक चीज आज मुकम्मल तौर पे बताता हूं, ये सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनी भी है और 5 साल आराम से चलेगी भी, देखिएगा, इसीलिए सारी चीजें पहले ही सेट कर ली जा रही हैं कि बाद में जाके कोई समस्या ना हो, ऐसा ना हो कि बाद में कोई कह दे कि मुझे तो 2.5 साल के लिए बोला था, कोई बोले कि नहीं 2.5 साल बाद ये इस्तीफा नहीं दे रहे, बहुत जगहों पर यह हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो उस चीजों से बचना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी भी, एकनाथ शिंदे की पार्टी भी, और अजीत पवार तो गदगद है, उनको तो जो मिल रहा है वो बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, पहले ही सारे केस जो थे पार्टी में जाते ही खत्म हो गए हैं, अब देखना होगा कि कौन महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन रहा है। लेकिन ये बात तो तय है कि ठाकरे जैसी गलती एकनाथ शिंदे बिल्कुल नहीं करेंगे, फिर हाल होगा, ना घर के रहेंगे ना घाट के, तो कहीं ना कहीं सरकार में बने रहेंगे, पद पर बने रहेंगे, अच्छा ही मंत्रालय, और हो सकता है कि डिप्टी सीएम बनने के लिए राजी हो जाए या बेटे को बना दे, देखने वाली बात होगी। लेकिन कहा जा रहा है कि 2 तारीख का इंतजार बीजेपी करेगी, क्योंकि 2 तारीख को सोमवती अमावस्या है और 2 तारीख से पहले कोई शुभ काम नहीं होता है, तो हो सकता है कि 2 तारीख को ही शपथ ग्रहण समारोह जो है वो महाराष्ट्र के सीएम का हो, देखते हैं क्या होता है। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो पर जरूर अपनी राय रखिए। धन्यवाद।